भारत और कश्मीर के खिलाफ आतंक का जहर उगलने वाले आतंकी हाफिज सईद की पाकिस्तान में रिहाई हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी इस करतूत पर पर्दा डालने के लिए हाफिज सईद की मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया जब उसने जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को रिहाई दे दी। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी इस करतूत पर पर्दा डालना चाहता है। यही वजह है कि सरकार ने आतंकी हाफिज की मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया है। लाहौर में शुक्रवार को होने वाले हाफिज के संबोधन को लेकर कवरेज और रिपोर्टिंग ना करने के निर्देश दिए गए हैं। हाफिज की रिहाई पर भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों ने कड़ा एतराज जताया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड सईद पर अमेरिका पहले ही $1 करोड़ का इनाम घोषित कर चुका है। अब दुनिया में हो रही बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि दुनिया भर में हाफिज की वजह से उसकी किरकिरी हो। जेल से बाहर आते ही हाफिज ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के आतंकवाद विरोधी शीर्ष जानकार ने सईद की रिहाई के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा रद्द करने की मांग की है। प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज सईद जनवरी 2017 से नजरबंद था। हाफिज सईद को रिहा करने के अदालत के आदेश के कुछ घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कहा था कि सईद को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रूस रीडल ने कहा, मुंबई में 26/11 के हमले के 9 वर्ष बीत गए लेकिन अब तक इसका मास्टरमाइंड न्याय की पहुंच से बाहर है। पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा रद्द करने का वक्त आ गया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है मगर देखना ये होगा कि गाहे बगाहे पाकिस्तान को लेकर अपनी राय बदलने वाला अमेरिका इस बार कोई ठोस फैसला लेता है या फिर कागजी विरोध दर्ज कराकर मूक दर्शक बना रहता है।